स्वागत है आप सबका। और चलिए आज हम बनाएंगे बैंगन की कलौंजी। इसके लिए 250 ग्राम बैंगन है मेरे, पहले इसको मैंने धो लिया था और अब देखते हैं हमें इसे काटना कैसे है। ऐसे करके हम दूसरे बैंगन में मैं आपको दिखाती हूँ। पहले बीच से एक कट लगाया और फिर दोबारा एक कट लगा दिया, नीचे से हम एक इंच छोड़ के। देखिए ऐसे हमें बैंगन को काटना है। जो हार्ड हार्ड से पत्ते जैसे हैं नीचे लगे हुए, उसे हम हटा देंगे। अब एक हम लेंगे हल्दी एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा ही जीरा पाउडर और इसमें हम डालेंगे आमचूर खट्टेपन के लिए। आमचूर की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्च पाउडर और ये रहे लहसुन। इसे हमें अच्छे से कूट लेना है, 8-10 थीप आके इन्हें अच्छे से कूटने के बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे अपने हाथों से। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल की बूंदें, तेल थोड़ा सा डाल के, और फिर हम हाथों से उसे अच्छे से मिला देंगे। इससे क्या है कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं जब हम इसे स्टफ़ करके पकाएंगे तो, और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम देखते हैं हमें इसे कैसे भरना है। हम अपनी उंगलियों की सहायता से बैंगन के अंदर इसे अच्छे से प्रेस करके कि मसाले का जो लेयर है वो बैंगन के चारों तरफ जहां हमने कट लगाया है उसमें अच्छे से लग जाए। हमें बहुत ही आराम आराम से जो है इसे भरना होगा। ये बहुत ही आसान है भरना, बस थोड़ी सी आप करिए समय से धीरे धीरे, तो ये जो बैंगन वो टूटेंगे नहीं। भरते समय बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मसाले हमारे बच गए, अभी हम उसे आगे यूज करेंगे मसाले को। एक कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, इसमें अब हम डालेंगे हींग और फ्लेम को हम अपने कर देंगे बिल्कुल धीमी। और इसमें हम अपने सारे बैंगन को रख देना है और इसे 5 मिनट के लिए हम अब ढक के छोड़ देंगे धीमी आंच पे। इसे ढक के हमने छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। हमारे 5 मिनट हो चुके, अब हम इसे पलट देंगे। तो एक साइड से जो बैंगन हमारा है देखिए वो सुनहरा हो चुका है। अब ऐसे ही हम अपने बैंगन को पलट के और फिर से दोबारा उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इतने में बैंगन जो है वो पक के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये बैंगन हमें उतना ही पकाना है कि ये हम जब स्पून से कट करें या हाथों से ये कट हो जाए और खा सकें हम। हमें इसे बहुत पिलपिला एकदम भरते की तरह नहीं पकाना है। अब हम इसमें अपने बचे हुए मसाले को, ये हमारा बैंगन ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, उसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम करके हम इसे, और जहाँ भी लग रहा है कि साइड साइड में जो हमारे बैंगन उनमें अभी अच्छा कलर नहीं आया है तो आप इसे किसी भी स्पून से या चिमटे की सहायता से वहाँ पलट के और उसे हम अच्छे से सुनहरे होने तक सेक देंगे। देखिए हमारे ये बैंगन पक करके बिल्कुल तैयार हैं। सफ़ेद बैंगन मिले तो क्या कहने, और अगर सफ़ेद बैंगन नहीं है अवेलेबल, नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, आप जो दूसरे बैंगन होते हैं पतले वाले आप उसकी बनाइए, सेम प्रोसेस से रखिए, ऐसी ही विधि से बनाइए वो, और देखिए इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो टेस्ट आती है इस सब्जी की। ये गाँव में बनने वाला है, बहुत ही ट्रेंड है वहाँ पर गाँव में, और किसी भी नाइफ से आप इसे हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए। बैंगन जो है ये गल चुका है, बैंगन को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे आपको चारों तरफ से सेक लेना है। तो लीजिए बैंगन की कलौंजी हमारी बन करके तैयार है। आप इसे किसी भी खाने के साथ, रोटी खाइए, पराठे, चावल, किसी भी खाने के साथ आप इसका आनंद लीजिए और आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और मुझे फिर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ये आप बताना ना भूलें। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।